तो राइट नाउ अभी हम आए हैं दुबई दुबई तो अभी हम पिज़्ज़ा हट में आके पिज़्ज़ा और ये अपना क्या कहते हैं इसको गार्लिक ब्रेड मंगाई है और साथ में हमारी फेवरेट मरिंडा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इज 10:00 इन द मॉर्निंग। तो अभी हम हैं श्रीनगर डल लेक में। तो कल शाम को हम पहलगाम से यहाँ वापस आ गए थे और फुल टू खतरनाक वाली राइड हुई थी रात को 10 बजे के बाद। तो डिनर वगैरह हमने नहीं किया है कल। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम यहाँ से जाएंगे क्या कहते हैं उसको सोनमर्ग, क्योंकि सोनमर्ग आज हम अपना स्टे करेंगे क्योंकि अब जो असली वाली राइड है वो हम शुरू करने लगे हैं आज से। तो थोड़ी देर में हम पैकिंग वगैरह करके थोड़ा लोकल साइट सीइंग करके उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से सोनमर्ग की। और सोनमर्ग यहाँ से 68 किलोमीटर है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। तो अभी पहले हम छोटे छोटे काम करवाने जा रहे हैं दो तीन। दो तीन छोटे छोटे काम में से जैसे एक टूल किट ले आते हैं जो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर ही लेंगे। तो ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है सामने बाइक से, तो उसको भी एक बार दिखवा देते हैं ताकि आगे जाने के लिए टेंशन ना हो अपने को, क्योंकि अपन को टेंशन नहीं मांगता है, बाकी सब कुछ मांगता है। जब तक अपनी बाइक रिपेयर हो रही है तब तक अपन जाके थोड़ा सा सामान ले आते हैं बाइक के एक्सेसरीज वगैरह, ताकि इन फ्यूचर अपने जब आगे जो ट्रिप पे जाना है उसमें हम पहले से ही रेडी रहें। तो ये छोटी सी रोड आगे जाके मार्केट में कनेक्ट होती है। तो एक बार जो टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं बाइक का कि बाइक सही है कि नहीं है, बिल्कुल एक बार फुल चेकअप करवाने के बाद उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से खाने पीने की। और सवेरे से कुछ नहीं खाया, बट मुझे लगता है कि मैं उन्हें मिस कर चुका हूँ कहीं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से पिज़्ज़ा हट, सोचा कि थोड़ा पिज़्ज़ा विज़ा खाया जाए श्रीनगर में। तो आज हम सोनमर्ग नहीं जा रहे हैं, श्रीनगर में रुक रहे हैं। श्रीनगर में दो तीन लोकेशन हमने अभी तक कैप्चर नहीं किया, तो आज वो कैप्चर कर लेंगे इस बहाने। तो लेट्स, अभी तो मज़ा आ रही है और चिल है, मोड बिल्कुल पूरा पूरा चल रहा है। ओहो, सीधा आगे ले आया यार। एक मिनट, ओ यार वो आगे ले आया अचानक, तो हुण मैं ब्रेक नहीं लांदा तो फिर इदा ही होना सी। एक मिनट, तो राइट नाउ अभी हम आए हैं दुबई। तो राइट नाउ अभी हम आए हैं श्रीनगर के मॉल के अंदर, इसका नाम है द मॉल, तो सिटी मॉल। तो सिटी मॉल है, तो अभी हम यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हैं स्पेशल इस मॉल में, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत थी मॉल में आने के लिए। तो लेट्स फाइंड पिज़्ज़ा हट। तो अभी हम पिज़्ज़ा हट में आके पिज़्ज़ा और ये अपना क्या कहते हैं इसको गार्लिक ब्रेड मंगाई है और साथ में हमारी फेवरेट मरिंडा। तो यहाँ अभी थोड़ी देर हम स्टे करेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त,
क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, तो इसको खाने के बाद हम जाएंगे आगे घूमने के लिए। दो लोकेशन हमने सोच रखी है श्रीनगर में कैप्चर करने के लिए, वो दो लोकेशन कैप्चर करेंगे आज के दिन, और आज जल्दी सो जाएंगे, रैप अप कर लेंगे ताकि कल सवेरे जल्दी उठ सके। तो राइट नाउ आप फन सिटी में हम खेलने लगे हैं क्रिकेट मैच। तो भाई पहले अपने 3 ओवर खेलने के लिए जा रहा है, तो सोचा कि थोड़ा सा मजे मुझे कर लेते, तो फन सिटी में हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया मॉल के अंदर। तो ये भाई अपना क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, तो हम खेलते हैं क्रिकेट और फिर करते हैं वापसी। लेट्स अब चलते हैं वापस। तो सिटी मॉल का टूर होता है हमारा ख़त्म, अब हम चलते हैं वापस अपनी, पहले बाइक को उठा रहे, उसके बाद बैठिए। किधर से जाना है? तो बाहर आते ही मौसम बिल्कुल एकदम से ख़राब सा हो गया, हवा और धूल मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा ही। लेट्स पहले एक काम करते हैं, बाइक उठाते हैं फिर होटल रूम में जाते हैं, उसके बाद बाकी का डिसाइड करते हैं। अगर मौसम थोड़ा सा सही हुआ तो शाम को निकल जाएंगे एक बार। तो ये है मुदस्सिर ऑटोमेटिव, जिसको बाइक सही करानी है तो यहाँ से करा सकता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइक अपना रिपेयर करके दी इन्होंने, और भाई के साथ मतलब कहते हैं ना, इतने अच्छे तरीके से बाइक रिपेयर करके दी, बिल्कुल ही सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आ गई। बट अब राइट नाउ बारिश का मौसम पूरा सा बन चुका है, तो अभी के लिए सारे प्लान कैंसिल हैं, कैंसिल नहीं ऑन होल्ड है। तो सीधा अभी जाते हैं होटल रूम में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी होटल रूम में जाना, तो हम तब तक पैकिंग कर लेते हैं बाकी की, और उसके बाद लस्सी क्या प्लान बनते हैं हमारे। तो ये पूरा का पूरा अपना कहते फाइनल इन रूम, और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थोड़ी सी। तो जितने भी सारे प्लान थे अभी के लिए तो हम स्टॉप कर देते हैं, देखते हैं थोड़ी देर में अगर मौसम सही होगा तो हम आगे जाएंगे घूमने फिरने के लिए, नहीं तो कल सवेरे हम रेडी रहेंगे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए।
ले लद्दाख। तो कल हम रेडी हो जाएंगे ले लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस के लिए। तो कल से होने वाले हैं ब्लॉग और भी ज़्यादा खतरनाक वाले। तो फाइनली अपने अब जाके मौसम थोड़ा सा खुला है, तो अब मौसम खुलने के बाद अपन जा रहे हैं शंकराचार्य मंदिर, जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा आज का, और उसके बाद हम सीधा वापस आ जाएंगे यहाँ पे। तो पहला और आखिरी यहाँ कश्मीर का, क्योंकि उसके बाद कल हम निकल जाएंगे ले की ओर। तो लेट्स गो। ये तो हो नहीं भाई मित्र, ये तो बहुत गलत बात है यार। What a beautiful, beautiful, beautiful fountain. Right now it's a 6 o'clock in the morning. तो कल रात को vlog end नहीं कर पाया, तो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से कारगिल के लिए। तो बाकी का जो आप देखोगे वो देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नहीं हो सब्सक्राइब कर पाए, एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मासलमा टेक केयर टू वट एवर यू वॉन्ट टू डू माई लवली फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में थोड़ी देर में यहीं से।